तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है ट्रेनिंग टेक के एक नए और कमाल के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको व्हाट्सएप का बहुत ही कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, आपने इससे पहले यह ट्रिक नहीं सीखे रहेंगे और ना ही आप कहीं देखे रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप एक लड़के हो या तो आप एक लड़की हो। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जो बहुत ही फालतू फालतू वीडियो, वाहियात वाहियात वीडियो फोटो भेजते रहते हैं, या तो हम बहुत से ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहाँ से हमको बहुत ही फालतू वीडियो आती रहती है, फोटो आते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हमको ऐड कर देती हैं, हम चाहते हैं तभी वो ऐड करती हैं और गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी फोटो भेजते रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, हम मान लीजिए कुछ भी गंदी वीडियो देख रहे हैं, गंदी फोटो देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप में आते रहता है, हमारे व्हाट्सएप में आते रहता है, ग्रुप में आते रहता है। लेकिन जो हम फोटो भेजते हैं, जो हम फोटो भेजते हैं, जो हम वीडियो भेजते हैं, डायरेक्ट हमारे गैलरी में जाके सेव हो जाता है, ठीक है, हमारे गली में जाके सेव हो जाता है, या तो कोई वीडियो भेजा तो जाके मैक्स प्लेयर में सेव हो जाता है। अगर कोई बंदा आपका मैक्स प्लेयर ओपन किया, व्हाट्सएप में गया, तो वहाँ पे आपकी वो वाली वीडियो मिल जाएगी, गंदी रहे चाहे अच्छी रहे, जो भी उस बंदे ने वीडियो भेजा है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपके भाई ने, या तो आपकी बहन ने, या तो आपके पापा मम्मी किसी ने देख लिया कुछ गंदी वीडियो, तो आपकी क्या हालत हो सकती है आप खुद ही समझ सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से कोई भी बंदा अगर आपके व्हाट्सएप पे वीडियो फोटो कुछ भी भेजता है तो आपके व्हाट्सएप तक सीमित रहेगा, आपके गैलरी में नहीं जाएगा। मान लीजिए यह फोटो है और मैं आपको बता दूं कि यह फोटो मेरे गैलरी में नहीं गया, यहीं तक सीमित है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो यह डिलीट हो जाएगा, मेरे गैलरी में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे तो तुरंत आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उसके बारे में डिटेल से, कौन सी सेटिंग है और हम उसको कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद में अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको घंटी को दबा के ऑन कर देना है ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाएँ। और दोस्तों, आपको नीचे आना है कमेंट सेक्शन में, आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, आपको व्हाट्सएप सीक्रेट सीक्रेट कुछ भी कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप में आ चुका हूं। अब आपको जिसका भी फोटो वीडियो चाहते हैं कि गैलरी में ना जाए, उसके फोटो पर क्लिक करना है। जैसे मैं अपने फोटो पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको नीचे चार ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, मैसेज का, ऑडियो कॉल का, वीडियो कॉल का, और आपको यहाँ पे एक आई बटन का मिल जाएगा आइकन। आप देख सकती हैं आपको एक आई बटन का आइकन मिल जाएगा, तो आपको आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकती हैं आपको नीचे एक दो तीन चार ऑप्शन शो करने लगा, ठीक है, म्यूट नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन, मीडिया विजुअलिटी, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको मीडिया विजुअलिटी पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन शो करने लगेगा, डिफॉल्ट यस यस नो, तो आपको क्या करना है, आपको इसको नो कर देना है, ठीक है, नो करके आपको ओके कर देना है। अब जब भी यह बंदा यानी मैं जब भी अपने दूसरे फ़ोन से इसमें कोई वीडियो भेजूंगा, कोई फोटो भेजूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप तक सीमित रहेगा, मेरे गैलरी में नहीं जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल की बात। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिलहाल मैं इसको यस कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी का भी फोटो वीडियो चाहते हैं कि गैलरी में ना आए तो आप इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।